बहुत कुछ है आपके पास ऐसा जो दूसरों को अब तक प्राप्त नहीं हुआ और उनके लिए एक ख्वाब है। क्या आपके हमेशा खुश रहने के लिए एक पर्याप्त कारण ये नहीं हो सकता? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज बाल दिवस है और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे मन के कोने में हमारा बचपन बना रहना चाहिए क्योंकि यही एक कारण होता है जिससे हमें खुशियाँ बहुत सारी मिलती हैं। फ्रेंड्स, एक बालक जो होता है वो उसमें उत्सुकता होती है, खुशी होती है, गम होता है और वो हमेशा थोड़ा सा क्रिएशन करना चाहता है। इसलिए हमेशा अपने बचपन को बना कर रखें ताकि आपके जीवन में सरसता बनी रह सके। फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात करें तो कल यानी कि 13 नवंबर को सुनवाई नहीं हो सकी। कारण इसका ये था कि पुरानी बेंच का गठन नहीं हो सका था और इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना केस लिस्टेड नहीं था और लिस्टेड न होने की वजह से ये सुनवाई 13 नवंबर को नहीं हो सकी। 6 नवंबर को जो सुनवाई होनी थी तो उस समय मांग ये रखी गई थी कि जो पुरानी बेंच है वही सुनवाई को आगे बढ़ाए क्योंकि पुरानी बेंच ने दो पक्षों को सुना हुआ है, इसलिए तीसरे पक्ष को भी पुरानी बेंच ही सुने और उसके बाद निर्णय दे। तो 6 नवंबर को उनकी ये मांग मान ली गई थी जिसमें कट ऑफ बचाव टीम और कट ऑफ विरोधी टीम, आप ऐसे ही समझिए, दोनों ही शामिल थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बाद जब कोर्ट ओपन हुआ तो 11 नवंबर को चीफ जस्टिस पंकज जायसवाल जी नहीं आए और उनके निर्देश के अभाव में पुरानी बेंच जो थी उसका गठन नहीं हो सका और पुरानी बेंच का गठन नहीं होने की वजह से 13 नवंबर की जो सुनवाई थी वो नहीं हो सकी। अब 14 और 15 को भी इसकी सुनवाई मुश्किल है, मतलब आज और कल। अब पुरानी बेंच जब गठित होगी तो उसके बाद काजलिस्ट जारी होगी और तभी आप लोगों को पता चल सकेगा कि इसकी अगली हियरिंग कब होगी। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी निराश हैं और परेशान हैं। दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ आपके बस में था वो आपने कर दिया है और अब जो कुछ है वो समय के सापेक्ष है। पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें क्योंकि इसके सिवाय आपके पास कोई भी रास्ता नहीं। बस यही कहूँगा कि वर्तमान में जो भर्तियाँ गतिमान हैं उसमें आप पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें और आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़ ये है कि 4 साल बाद आया प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट। देखो, ये जो परीक्षा हुई थी वो प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय इंटर कॉलेज में स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 का रिजल्ट 4 साल बाद बुधवार को घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए UPSC ने 22 पदों के मुकाबले 8 गुना अभ्यर्थियों को, लगभग 176 पद होंगे, 30 नवंबर तक उनके अभिलेख मांगे हैं। तो जो लोग इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो लोग UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लें और ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएगा, उसको वो लोग डाउनलोड कर लें, कंप्लीट कर लें और आयोग को उसे भेज दें। कुल मिला के लगभग 3 गुना लोगों को यानी कि 66 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू की डेट जो होगी वो घोषित की जाएगी। अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को इतिहास और अंग्रेजी विषय में 185 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए, यानी कि इतिहास और अंग्रेजी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बुधवार देर रात दोनों विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है और बुधवार से ही आयोग में हिंदी और समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी शुरू हो गया है। दोस्तों, LT ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो LT ग्रेड में जो वैकेंसी आई थी, एक्चुअली में जो वर्तमान में वैकेंसी गतिमान है ये 2016 की है। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी तो ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी। सपा सरकार की ये वैकेंसी किन्हीं कारणों से, एक्चुअली में इसमें ये मांग की गई थी कि LT ग्रेड में एग्ज़ाम करवाया जाए क्योंकि डायरेक्टली जब मेरिट बनता है तो लोग फर्जी तरीके से इसमें शामिल होते हैं और जब तक वो बाहर होते हैं तो जो भारी मात्रा में पद होते हैं वो खाली रह जाते हैं, इसलिए इस पर परीक्षा ली जाए। तो इस वजह से सपा सरकार की ये वैकेंसी जो थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था और उसके बाद जब योगी सरकार बनी तो उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2017 तक जितने भी रिक्त पद थे तो 10,768 पद निकल के आए। तो इन पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी की गई और इसकी परीक्षा करवाई गई और इसका परिणाम बहुत ही, ये यूँ कहिए कि बहुत ही मंथर गति से जारी हो रहा है। फिलहाल अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय हैं इसका भी परिणाम यथाशीघ्र जारी कर दिया जाए
तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 4 साल पुरानी ये जो भर्ती है और वर्तमान जो रिक्त पद हैं उनमें विसंगति आ सकती है। ये कारण ये होता है कि कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो रिटायर हुए होंगे, कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो कि प्रमोशन वगैरह के बदौलत जो है पदों पर आ गए होंगे। तो एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, कितने पद रिक्त हैं, इसके बारे में अब जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें चयनित हो चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व में भेजे गए अध्याचन के अनुसार अब नहीं हो सकती, बल्कि अब संबंधित विषयों के पद कहाँ खाली हैं इसका ब्यौरा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अब पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब लगभग जो है सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसके बारे में जल्दी सूचना जारी कर दी जाएगी। तो जो सेकेंड राउंड में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ है तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जो है जारी होगी तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए तो इसके बारे में एक अलग सूची मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पर या फिर एक वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हो गई एलटी गेट के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। देखो, जो अगली खबर है वो एडेड डिग्री कॉलेजों को 185 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और 14 दिन में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, 60 दिन में होगा नाम सुधार। CBSE में सिटीजन चार्टर लागू, हर काम के लिए तय हुई मियाद। मतलब यहाँ पर यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए अब हर काम की समय सीमा तय कर दी है, और 10वीं और 12वीं के छात्रों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मात्र 2 हफ्ते में मिल जाएगा, और संबंधित जो रीजनल ऑफिस हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। और विषय में परिवर्तन रीजनल ऑफिस स्तर पर 30 दिन और हेडक्वार्टर स्तर पर 60 दिन के अंदर होगा। छात्रों के नाम, माता पिता के नाम, सरनेम, जन्मतिथि में सुधार आवेदन के 60 दिनों में हो जाएगा। तो ये अच्छी शुरुआत है CBSE के द्वारा जो की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में नए सर्वर पर होगा काम। बेसिक शिक्षा विभाग अपनी योजनाओं को गति देने के लिए अपना नया सर्वर NIC से अलग करेगा, और NIC के सर्वर पर भार ज़्यादा होने के कारण विभागों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों को दिक्कत होने के बाद सर्वर को अलग करने का निर्णय लिया गया है, और वहीं विभाग ने ऑपरेशन कायाकल्प गुणवत्ता मॉड्यूल भी ऑनलाइन कर दिया है। इसमें स्कूल के निरीक्षण भी, रिपोर्ट भी ऑनलाइन दी जाएगी, और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल के निर्माण कार्यों की संपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में निष्ठा की रफ्तार थमी। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि निष्ठा क्या है। तो फ्रेंड, निष्ठा का जो फुल फॉर्म है वो है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, एक कार्यक्रम है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के द्वारा कोशिश की गई है कि कुल 42 लाख शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, और इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन राज्यों में इसकी प्रगति यानी कि इस पर काम होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक सिर्फ कुल मिला के 1.19 लाख, मतलब कि 1,19,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। राजस्थान, झारखंड, बिहार जैसे भी राज्य हैं जहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ब्लॉक स्तर पर तय लक्ष्य के तहत की रिसोर्स पर्सन, मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया है। और इस कार्यक्रम के तहत अकेले बिहार के 3,68,000, उत्तर प्रदेश के 4,57,000 शिक्षकों को ट्रेंड किया जाना है। तो फ्रेंड्स, योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 6 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाने हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में की थी। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के पीछे सरकार की बड़ी कोशिश स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। फ्रेंड्स, ये होगी पूरी जानकारी आज की जो मुख्य खबरें हैं उसके बारे में। देखो, RO ARO के बारे में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि 2020 की वैकेंसी जो होगी RO ARO की, UPSC के द्वारा जो जारी होती है, तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ भी बिल्कुल सही सही जानकारी किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी होगी, उम्मीद की जा रही है कि ये जो वैकेंसी 2020 की होगी वो मार्च के बाद आ सकती है। फिलहाल आपको ये बता दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये जो पद होता है वो UPPCS के लगभग इक्विवेलेंट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सुविधाएं अधिक हैं, रुतबा भी होता है। तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है इंटरव्यू नहीं होता है, 2 परीक्षाएं होती हैं, प्री होता है और उसके बाद मेंस होता है। प्री में भी वही होता है, GS और हिंदी,
जीएस और हिंदी पर आधारित, ठीक है। और उसके बाद जो मेंस होता है उसमें भी जीएस और हिंदी होती है। मेंस में क्या होता है कि हिंदी जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। और इसकी जो वैकेंसी है अभी कब तक आएगी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल तक इसके बारे में आपको सूचना प्राप्त हो सकती है। तो देखो, कोई भी परीक्षा हो अगर उसको क्रैक करना है तो एक दीर्घकालिक योजना आपके पास होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अगर आपको बनना है तो हमें विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है, उसका जो सिलेबस है उसको हमें कंप्लीट करते रहना होगा और बाकी की जानकारी भी हमें कलेक्ट करके अपनी तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि सफलता के लिए एक योजना बेहद ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रोज़ के लिए अपना एक छोटा सा ही लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन निर्धारित जरूर करें और उसे शाम तक उसे अचीव करने की आप कोशिश जरूर करें। और शाम तक जब आप इसे अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत अधिक संतोष मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। नमस्कार, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।